सरगोधा का एक रहायशी बच्चों की सेंचुरी मुकम्मल करना चाहता है। 41 बच्चों का बाप 55 साल मोहम्मद यूसुफ 7 शादियां कर चुका है, जबकि उसका अजम है कि उसे अपना मकसद हासिल करने के लिए मजीद शादियां करना पड़ेंगी। वकास अवान की रिपोर्ट। सरगोधा के गांव नथुवाला का रहायशी मोहम्मद यूसुफ एक जमींदार के पास मिजारा है और इसी की जमीन पर एक झोंपड़ी और कच्चा कमरा बनाकर रह रहा है। यूसुफ के मुताबिक इसकी पहली शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। इसकी 3 बीवियां वफात पा चुकी हैं, 3 बीवियों को वो छोड़ चुका है, 7वीं इसके साथ रह रही है, जबकि 8वीं शादी के लिए वो पर तोल रहा है। जवानी में पहलवानी करने वाले यूसुफ का कहना है कि इसका मिशन 100 या इससे ज्यादा बच्चे पैदा करके रिकॉर्ड कायम करना है। और तो बंदा पाकिस्तान जाए नहीं ना, जरा 100 बच्चा जाए, ये मोहम्मद यूसुफ ही जा सकता है जी। यूसुफ ने बताया कि इसके 10 बेटे और 31 बेटियां हैं, जिनमें से कई की शादियां हो चुकी हैं। इसके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 6 माह है। इसने मजीद बताया कि इसे अक्सर अपने बच्चों के नाम भी याद नहीं रहते। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तंगी नहीं, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाने। यूसुफ अपनी औलाद को तालीम और तरबियत से बराबर नहीं कर सका और ना ही इन्हें कोई बुनियादी सहूलतें फराहम कर सका। जी साडा जी करदा सी बे असी पढ़िए, साडे कोल इनी दौलत कोई नहीं सी बे जड़े असी पढ़ के असी बे आप किसे ठिकाने लग जाइए। यूसुफ की बीवी से बात की गई तो वो भी अपने शोहर की हम ख्याल निकली। इसने कहा कि वो अपने शोहर का मिशन मुकम्मल करने के लिए अपने हाथ से इसकी शादी करेगी। बच्चों को भी मजीद शादियों पर कोई एतराज नहीं। और ही शादी कर ले, कोई इतराज नहीं, सारिया च बच्चे ने, अपने बच्चों तो पहला जान दी बच्चा सन खुशी, 100 बच्चा हो जाए साडे प्यो दा सन खुशी। यूसुफ की फैमिली इस झोंपड़ी में अपने हालात से मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। यूसुफ के घर में 2 दिन में 100 किलो आटा पकता है। 100 बच्चे पैदा करके शोहरत हासिल करने का ख्वाहिशमंद यूसुफ किसी भी लम्हे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान नजर नहीं आया। कैमरामैन आबिद शमसी के साथ वकास आवान, जियो न्यूज, गांव नथुवाला, जिला सरगोधा।